प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात कार्यक्रम 115तम एपिसोड रे निज जीवन गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त को मने पकाइछंती। पीएम मोदी कहिछंती जे से बिरसा मुंडा को जन्मस्थल को जीवा पई अनुमति मिलिथि जहा ताको खुशी करिछि। भारतर एनिमेशन सारा दुनिया रे प्रचलित काली वर्ल्ड एनिमेशन डे पालन करा जइबो बोली से कहिछंती। यहारे मध्यरे पीएम मोदी साइबर फ्रॉड को नै सचेतन कले एथिसो से मन की बात रे वीडियो देखाई साइबर फ्रॉड को नै सचेतन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है ये बातचीत, एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे है ना, आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना, वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव भय का माहौल पैदा करो, वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है, तीसरा दाव समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपये गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के तीन चरण बताता हूं। ये तीन चरण है, रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। से एथिपाई तीनोटी सूत्र आपणेबाकु परामर्श देछन। प्रथमे फ्रॉड कॉल आसिले धैर्य रखी सह भावंतु एवं पदक्षेप नियंतु। द्वितीयतः कौनसी एजेन्सी फोन कर पचरा उचरा कैनि, फ्रॉड कॉल आसिले 1930 को कॉल करी जनातु। ब्यूरो रिपोर्ट, डुमाणी टीवी।